7 सितंबर को शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज होने जा रही है। फिल्म की ओवरसीज एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो फिल्म ओवरसीज में 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग करेगी। अगर ऐसा होता है तो शाहरुख खान अपनी ही फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पठान ने ओवरसीज में 37 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। अकेले अमेरिका में 61 लाख के बिके टिकट। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 289 लोकेशन से जवान के 4,800 टिकट बिक गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 61 लाख रुपए है। आने वाले दिनों में इन लोकेशन और शो में बढ़ोतरी होगी। यूएसए, यूएई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित बाकी देशों में फिल्म की टिकट सेलिंग को ओवरसीज जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने पठान के यूएस एडवांस बुकिंग को क्रॉस कर लिया है, जो ओवरसीज मार्केट में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 50 करोड़ में बिके साउथ के थ्रेटिकल राइट्स। नई फिल्म ने साउथ थ्रेटिकल राइट भी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलुगु स्टेट्स मिलाकर रिकॉर्ड तोड़ 50 करोड़ रुपए में बिके हैं। अकेले तमिलनाडु में फिल्म के थ्रेटिकल राइट्स 50 करोड़ में बिके, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नई अकेले केरल में यह 7 करोड़ रुपए में बिके हैं। पहली बार साथ काम कर रहे हैं शाहरुख और एटली। 7 सितंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली के साथ काम किया है। शाहरुख के अलावा इसमें संजय दत्त, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, सान्या मल्होत्रा आदि जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म में शाहरुख खान एक बार फिर डबल रोल में और अपने करियर में पहली बार बॉलरूम में नजर आएंगे। तो क्या पठान की तरह ही आपको जवान का भी बेसब्री से इंतजार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।